हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम एलेक्स मोर है। आज हम सीखेंगे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर अभी अभी आप प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं या आप उस पर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और जानते हैं टिप्स के बारे में। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे और मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी हाईलाइट प्रोजेक्ट भी ओपन करके रखा हुआ है। तो जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हमें रेंडरिंग की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से इंटर को प्रेस करते हैं, इंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे तो अपना जो है रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, क्या होता है, रेंडरिंग होते होते हमें कुछ ऐसे एरर ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि ये। तो इस तरह से अपने जो रेंडरिंग होता है उसके बाद रेंडरिंग एरर बता मतलब ऑप्शन आता है, रेंडरिंग एरर बता देता है। तो हम इस एरर कंप्लेंट मूवी को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया तो मैं इसको क्या कैंसिल कर देता हूँ। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, पहले हमें एक न्यू सिक्वेंस बनाना है, यहाँ पर न्यू आइटम पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो मेरा यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस बन चुका है। तो हमें फिर से अपने प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए। तो हमारा यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट कॉपी हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पर कंट्रोल ए करना है, उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, जो हमें हमने जो न्यू सीक्वेंस बनाना है उस पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो हमारा क्या होगा, जो हमने कॉपी किया प्रोजेक्ट वो हमारे न्यू सीक्वेंस पे पेस्ट हो चुका है। तो अब जो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी एरर कंप्लेंट मूवी का, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जब भी आप रेंडरिंग करेंगे तो आप प्रॉब्लम्स एरर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस तरह से अपने जो एरर का ऑप्शन है उस तरह से अपने बहुत ही ईजिली से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, इन्जॉय।